हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। तो फिर ये प्रोडक्ट का नाम है X96 Mini और ये एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है। तो इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे एंड्रॉयड टीवी बॉक्स मिलते हैं, जैसे कि अमेजोन फायर स्टिक, बाद में रोकू हो गया, उसके बाद में गूगल क्रोम कास्ट हो गया। तो लेकिन ये अमेजोन फायर स्टिक का प्राइस अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अमेजोन फायर स्टिक का प्राइस होता है 4000 रुपीज़ और इस प्रोडक्ट का प्राइस है जस्ट 2000 या 3000। अगर आपको अगर ऑफर में मिल गया तो ये आपको 2500 तक मिल जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आपको अगर अनबॉक्सिंग में हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या प्रोवाइड दिया है इस कंपनी ने X96 Mini एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में। अनबॉक्सिंग पार्ट में देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग से पहले थोड़ा इंट्रो हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग X96 Mini। ये एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है। तो इसके टॉप व्यू पे आप देख सकते हैं, इस पर X96 Mini लिखा हुआ है और ये एक ब्लैक यू प्लग प्लस 1GB रैम। ये इसके बॉटम में आप देख सकते हो कि इस पर लिखा हुआ है ये एंड्रॉयड 7.12 को सपोर्ट करता है। इसमें 4 कोर 16 बिट CPU है और ये 4K भी सपोर्ट करता है। इसमें HDR10 भी है और इसका वाईफाई बैंड 2.4G है। तो फिर इसके हम लेफ्ट में देखते हैं तो इसके लेफ्ट में 4K SLO वो दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्सिंग में यहाँ पे इन्होंने एंड्रॉयड टीवी बॉक्स दिया हुआ है। तो उसको हम साइड में रखते हुए हम इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके ऊपर वापस से लोगों ने X96 Mini ये लिखा हुआ है। अभी इसके अंदर देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की हुई है। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने हमें रिमोट दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये रिमोट नॉर्मल रिमोट है और ना कि वायरलेस रिमोट नहीं है। और अभी हम देखते हैं, इन्होंने चार्जर भी दिया हुआ है। ये चार्जर है 5V DC वाला चार्जर है और उन्होंने हमें एक HDMI पिन भी दी हुई है। तो दोस्तों, ये था अनबॉक्सिंग पार्ट। तो हम ये देखते हैं कि अभी ये 96M कितना कैसा है। तो फिर इसका टॉप व्यू में उन्होंने X96 Mini लिखा हुआ है। ये इसका फ्रंट व्यू है। इसका लेफ्ट व्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे USB पोर्ट दी हुई है, 2 USB पोर्ट दी हुई है और एक अगर आपको मेमोरी कार्ड लगाना है तो आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। इसके राइट में हम देखते हैं कि उन्होंने राइट में कुछ नहीं दिया। उसके बैक देखते हैं, बैक में उन्होंने दिया हुआ है 5V पावर सप्लाई के लिए और एक इथरनेट, अगर आपको नेट कनेक्ट करना है उसके लिए आप यहाँ पे इथरनेट केबल कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे HDMI पिन दी हुई है। AV अगर आपको CRT टीवी में अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप AV से कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रिमोट के लिए IR सेंसर भी दिया हुआ है तो इससे आप IR सेंसर कनेक्ट कर सकते हो। इसके डायमेंशंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है 8 cm by 8 cm, यानी कि सबसे कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश दिखने वाला स्मार्ट टीवी बॉक्स है। और अगर हम ये सबसे कॉम्पैक्ट इसीलिए है क्योंकि अगर हम इसे किसी और डिवाइस से कंपेयर करें, जैसे कि कैमरा, तो फिर ये इस तरह दिखता है। और
दोस्तों मैंने इसे टीवी पे कनेक्ट कर दिया है और अभी हम देखते हैं कि यह कैसे परफॉर्म करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं टीवी भी चालू हो गया है, उसके साथ साथ एंड्रॉयड टीवी बॉक्स भी चालू हो गया। अगर हम गौर से देखें तो फिर ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का साइज़ आप देख सकते हो और नॉर्मल डिश टीवी का साइज़ आप देख सकते हो। मैं इससे भी आपके साथ कंपेयर करता हूँ तो जैसे कि आप देख रहे हो ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स और ये एक डिश टीवी है, इसका साइज़ अगर आप देखो तो कंपैरिजन में ये सबसे छोटा दिख रहा है आपको और ये बहुत कॉम्पैक्ट चीज़ है, तो आपका कहीं भी इसे इजीली आप रख सकते हो। तो देखा जाए तो इसमें एंड्रॉयड टीवी बॉक्स स्टार्ट हो चुका है और ऊपर स्मार्ट टीवी लिख के भी आ गया है स्मार्ट टीवी बॉक्स, और ये इसका यूआई है। और आप देख सकते हो कि इसका नॉर्मल रिमोट है जो वायरलेस रिमोट नहीं है, इस पर IR रिमोट है। और इसमें आप टीवी भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो, टीवी इन द सेंस आप अगर इस पर ही आप टीवी ऑन ऑफ कर सकते हो, इस पर आप टीवी का वॉल्यूम और सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, बस आपको उसको टीवी और रिमोट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हो इसके लेफ्ट साइड पे आपको गूगल प्ले स्टोर दिख रहा है और इसके AKD प्लेयर भी दिख रहा है। अगर आपको कोई ऐप देखना हो तो आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो आप यहाँ पे। अगर आपको कोई ऐप देखना है तो आप ऐप्स पे जाके ये सब ऐप्स देख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ये सारे ऐप्स इंस्टॉल कर लिए है, हॉटस्टार, जैसे कि बाद में हो गया मूवी HD करके एक ऐप है, उसके बाद नेटफ्लिक्स तो उन्होंने पहले से ही इंस्टॉल करके दी हुई थी, उसके बाद सेटिंग्स, उसके बाद प्ले स्टोर से आपको अगर कोई इंस्टॉल करना होगा गेम्स तो आप इजीली इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद एक ठोक टीवी करके एक ऐप है, उसके बाद यूट्यूब से आपको सबको पता ही है। तो अगर आपको मैं बताता हूँ कि आप इसमें कौन कौन से ऐप्स या फिर गेम्स इंस्टॉल कर सकते हो और आपको कौन से ऐप्स इंस्टॉल करने ही चाहिए। तो फिर फर्स्ट अगर आप ऐप देख रहे हो तो यहाँ पे मैं एक ऐप बता रहा हूँ आपको कि उसका नाम है टीवी लॉन्चर। ये एक टीवी लॉन्चर टाइप ऐप है, तो इसमें आपको एक अच्छा दिखने वाला UI सिस्टम आपको देख सकते हो इसमें, जैसे कि अभी आप देख रहे हो एक सिंपल लेकिन अच्छा दिखने वाला लॉन्चर है जिसमें आप इजीली आपके जो ऐप्स है एक ही स्क्रीन में आप देख सकते हो और नीचे स्क्रॉल करके आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपको मूवीज़ देखनी हो तो यहाँ पे आप मूवी HD करके एक ऐप है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका सब लिंक डाल देता हूँ। तो ये एक अच्छा ऐप है, इसमें आप सारे मूवीज़ ईजिली प्ले कर सकते हो, नेटफ्लिक्स के मूवीज़ हो गए, नेटफ्लिक्स के शोज़ हो गए, आप इजीली इसको स्ट्रीम कर सकते हो। जैसे कि अभी हमें अगर शोज़ देखने हो तो स्क्रॉल करके हम TV शोज़ पे जाके हम उसके जो चाहिए वो शोज़ देख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हो गया फ्लैश, अगर हमें फ्लैश का शोज़ देखने हो तो वीडियोज़ में जाके इजीली हम उसके स्ट्रीम कर सकते हैं। देखिए हम सिंपल में आपको दिखा देते हैं, आपको मूवीज़ प्ले करने तो इजीली आप इसमें मूवीज़ प्ले कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं एक मूवी को प्ले करता हूँ, वीडियोज़ में जाके आपको बस लिंक सिलेक्ट करके आपको प्ले बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे एड्स आएगी तो ऐड को आपको बस बैक करके प्ले करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे ऐड आएगी तो ऐड आके बैक करके इजीली प्ले हो जाएगा वीडियोज़। जैसे कि यहाँ पे वीडियोज़ प्ले हो चुकी है और ये फ्री ऐप है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये था इसका अनबॉक्सिंग पार्ट और इसका वीडियो। अगर आप सेटिंग्स में देखें तो इसमें कौन सा एंड्रॉयड है वो भी मैं दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में जाके इसमें हमने अगर देखा तो फिर इसमें कौन सा एंड्रॉयड सिस्टम है मैं दिखा, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एंड्रॉयड वर्जन 7.1.2 है। इसमें 7.1.2 वर्जन है। तो फिर ये था एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का रिव्यू, जो एक सिंपल रिव्यू। और अगर इसके बाद में और इसका रिव्यू करके YouTube पे जल्दी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एंड इस तरह विस्तार।